ಹರ್ತಾ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಅದ್ಭುತ ಅತಿ ಸುಂದರ स्वयं ही वरुण लोक से बाहर आ गए। अब से यहाँ अरुणासुर का अधिकार है। दोस्त असुरों, मेरे लोक की ओर एक पग भी और बढ़ाया तो अपने जल में इतना गहरा डुबा दूंगा तुम्हें कि उस जल से फिर कभी भी उबर कर स्थल देखने में समर्थ नहीं होगे तुम। हम जो देखेंगे सो देखेंगे, किंतु अपना पतन और अपने लोक का अंत देख सकोगे वरुण देव। उद्दंड असुर, वरुण लोक को कोई क्षति नहीं पहुँचा सकोगे तुम। वरुण देव, तुम्हारा जल हमें क्षति नहीं पहुंचा सकता, किंतु मैं तुम्हें अवश्य क्षति पहुंचाऊंगा। Ha 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 ha
का दम भी चूर किया हमने, अब वरुण लोक भी हमारे अधीन है। वरुणासुर महाराज की जय। देखा मेरे असुर सैनिकों, कितना सरल है इन देवताओं पर विजय प्राप्त करना। तो जाओ अब जाकर शेष देवताओं के लोगों को भी अपने अधीन करो। वरुणासुर महाराज की जय। और इस अंतराल में मैं स्वयं जाके त्रिदेव को बंदी बनाऊंगा। उससे मुझे क्या, मुझे तो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है। त्रिदेवों को बंदी बनाना है। अब ओम शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति शांति क्या हुआ गणेश? माता की सभा में आकर चिंता क्यों कर रहे हो? माँ ध्यान रखिएगा कि आपके दो नख एक दूसरे का स्पर्श ना करें, अन्यथा समय के पूर्व ही प्रभु महाविष्णु अपने दशावतार धारण करने के लिए विवश हो जाएंगे। से उठकर वहां उस दिशा में क्यों जा रहे हैं? ओह समझा, ब्रह्मदेव को मेरे आगमन का आभास हो चुका है और वो अवश्य जाकर नारायण के लोक वैकुंठ में छिपे बैठे हैं। माता आदि शक्ति की जय। 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 माता शक्ति की माता आदि 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 शक्ति की। माता
ओ, नारायण भी वैकुंठ से नदारद हैं, और ये फल भी ब्रह्मलोक के कमल पुष्पों के समान एक ही दिशा में उड़े जा रहे हैं, अर्थात दोनों त्रिदेव कैलाश में जाकर स्थित हुए हैं। तो विलंब किस बात का, मैं भी वही पहुंचता हूं। कैलाश भी महादेव से रिक्त है। त्रिदेव अपने लोकों में स्थित नहीं है तो फिर ये फल कहां उड़े जा रहे हैं? कहां है तीनों त्रिदेव? ओ, अवश्य इंद्रदेव ने मेरी सेना की सूचना पाकर इन्हें अपनी सहायता के लिए पुकारा होगा। मैं भी वहां जाकर देखता हूं। प्रणाम देवी आदिशक्ति। प्रणाम देवी। मेरा भी प्रणाम स्वीकार कीजिए देवी। माता की महिमा का क्या बखान करूं? क्योंकि 10 उपाध्यायों में से उच्च स्थान होता है एक आचार्य का, और 100 आचार्यों से अधिक उत्तम स्थान है एक पिता का, किंतु माता तो 100 पिताओं से भी उच्च स्थान पर स्थित होती है, क्योंकि माता अपनी संतान को अपने गर्भ में धारण कर प्रसव की गहन पीड़ा को सहकर जीवन उत्पन्न करती है। और माता आदि शक्ति, आप तो स्वयं जगत जननी है माँ, आपसे ही सृष्टि है, और सृष्टि में वास करने वाली 84 लाख योनियों का अस्तित्व भी आपसे ही है माँ। संसार में ध्यान, योग, तप, कला, साहित्य, संगीत, नृत्य आदि सभी आपसे ही तो है, इसलिए आपको हम सभी का कोटि कोटि नमन माता। मेरी सेना इस अवस्था में, इंद्रदेव, मेरी सेना को क्षति पहुंचाई तुमने, अब इसका भीषण दंड तुम्हें भुगतना होगा। ए मूर्ख, यहां आकर अपने तो साहस का प्रदर्शन किया तो तुम्हारी भी वही दुर्दशा होगी जो तुम्हारी असुर सेना की हुई है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम देवताओं को मुक्त कर यहां से शांति पूर्वक प्रस्थान कर जाओ। करूंगा, प्रस्थान अवश्य करूंगा, शांति से प्रस्थान करूंगा यहां से, किंतु तुम तीनों को निगलने के बाद यहां से प्रस्थान करूंगा मैं, क्योंकि दुर्गमासुर को वचन दिया है मैंने, उसे पूर्ण करने हेतु सर्वप्रथम तुम देवताओं को बंदी बनाऊंगा मैं, फिर वो त्रिदेव जो मेरे भाई से भाग खड़े हुए उन्हें भी बंदी बनाऊंगा मैं, फिर उस देवी आदि शक्ति को भी अवश्य पराजित करूंगा मैं। और विवश कर दूंगा दुर्गमासुर को अपना दास बनने पे।
और मैं स्वयं बनूंगा सर्वशक्तिशाली असुर सम्राट। मूर्खता मत करो अरुण असुर, तुम हमसे लड़ोगे, त्रिदेव से लड़ोगे और स्वयं माता से युद्ध करोगे। क्यों अपने सर्वनाश को आमंत्रण दे रहे हो? दुर्गमासुर के छल पूर्ण वचनों से प्रेरित हो अपने जीवन को संकट में मत डालो। तुम वचनों में तो मैं तुम्हारे नहीं आऊंगा, एक एक करके आहार बनाऊंगा मैं तुम सबका। सूर्यदेव, स्मरण है ना तुम्हें मैंने क्या कहा था? तुम्हारी भी वही दुर्दशा होगी जो तुम्हारी सेना की हुई है। हमें बंदी बनाओगे, हमें ले जाओगे यहां से। इसकी कल्पना भी कैसे कर ली तुमने? कल्पना से स्मरण हुआ, अभी तक तो तुम्हारे लोक की अप्सराओं का सौंदर्य मात्र सुना है मैंने, इसीलिए मात्र उनकी कल्पना करने के लिए विवश हूं मैं। किंतु आज उनके सौंदर्य का प्रत्यक्ष दर्शन करूंगा मैं। और सुना है बहुत सुंदर है तुम्हारी पत्नी देवी सची, आज उनके सौंदर्य को भी निहारूंगा मैं। तुम देवताओं को अपने उदर में बंदी बना कर ले जाऊंगा मैं, किंतु उन्हें ये कष्ट कदापि नहीं दूंगा। उनका हरण कर, उनको अपनी भुजाओं में हरण कर अपने भवन ले जाऊंगा। ए दुष्ट, अपने शब्दों पर नियंत्रण रख। बस, अब बहुत हुई ये बालकों की क्रीड़ा। सृष्टि अचानक सूर्य देव के प्रकाश से कैसे रिक्त हो गई? पूर्व से आने वाली सूर्य देव की किरणें अचानक कहां लुप्त हो गई? कहा था ना मैंने, अपने उदर में भरूंगा तुम देवताओं को और हरण करूंगा तुम्हारी स्त्रियों को। की स्त्रियां कहां? मां आदिशक्ति सहायता कीजिए, मां सहायता कीजिए। जिस प्रकार भ्रम के कारण एक हाथी को कभी चींटी की शक्ति का आभास नहीं होता, उसी प्रकार एक अति बलिष्ठ मूर्ख व्यक्ति को भी कभी नारी की वास्तविक शक्ति की पहचान नहीं होती। कहाँ छिपी है यहाँ की स्त्रियाँ? कहाँ?
माँ आदिशक्ति सहायता कीजिए, माँ सहायता कीजिए।